टॉप 10 इश्तेहारियों की गिरफ्तारी का मामला। गोगी बट के घर छापे की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। पुलिस ताहा लिस्ट में शामिल बड़े नामों पर हाथ ना डाल सकी। अमीर बालाज, मियां हसीब, मलिक मंशा, शौकी चंगर के नाम भी लिस्ट में शामिल। डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद कहते हैं तमाम रिकॉर्ड याफ्ता इश्तेहारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराइम पेशा अफराद जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यकम जनवरी को कोट लखपत में डकैती मजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मामला। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड इनाम को कत्ल करके दफ्तर में दाखिल हुए। चार मुलजिमान ने निजी कंपनी के दफ्तर से 8 लाख रुपए नकदी लूटी। 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मेट्रो बस मुलाजमीन ट्रैक पर आ गए। एमयू कॉलेज स्टेशन पर मुलाजमीन का मेट्रो बस रोक कर एहतजाज। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी इनबॉक्स के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन को एहतजाज पर नौकरी से बरतरफी का भी डर। चेहरे ढांप कर मुजाहरा। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करके बस सर्विस दोबारा बहाल करवा दी। टेक्निकल अलाउंस और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। सर्द मौसम और बारिश भी रेलवे मजदूर इत्तेहाद का अज़्म ना तोड़ सकी। रेलवे मुलाजमीन की 6ठे रोज भी भूख हड़ताल जारी। और सीनियर्स के जूनियर्स को मुफीद मशवरे। मिसबाउल हक और वकार यूनस की अंडर 19 खिलाड़ियों से मुलाकात। दोनों कोचेस का नेशनल एकेडमी में तरबियती कैंप का दौरा। बॉलिंग और बैटिंग में मजीद बेहतरी के लिए मुख्तलिफ टिप्स भी दी।